हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सोया चंक की चटपटी और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो मेरा आप आखिरी तक देखिएगा, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और डेली मोशन पर मुझे फॉलो करना मत भूलिए। तो चलिए बनाते हैं सोया चंक की चटपटी सब्जी। फ्रेंड्स, आज मैं सोया चंक्स की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। बहुत ही चटपटी सब्ज़ी बनेगी इसकी और बहुत ही टेस्टी लगेगी और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो प्लीज़ ये वीडियो मेरा आखिरी तक देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और डेली मोशन पर मुझे फॉलो भी कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं सोया चंक की चटपटी सब्ज़ी। फ्रेंड्स, ये मैंने 100 ग्राम सोया चंक्स लिए हैं। इसे मैंने अच्छे से उबाल लिया है और उबालने के बाद ठंडे पानी से धोकर अच्छे से निचोड़ कर रख लिया है, क्योंकि अच्छे से अगर इसे निचोड़ लिया जाता है तो इसमें कोई भी फ्लेवर आसानी से अब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये सोया चंक की जो चटपटी सब्जी है, इसे बनाने में जो इंग्रेडिएंट लगेंगे वो मैं बता देती हूँ। ये आधा छोटे चम्मच मैंने जीरा लिया है, इसे मैं तड़का लगाने के लिए यूज़ करूँगी। ये एक शिमला मिर्च लिया बारीक कटा हुआ मैंने, एक बड़ा प्याज लिया हुआ बारीक कटा हुआ, 4-5 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, तीनों को मैंने बारीक काट लिया है। 2 मीडियम साइज के देसी टमाटर लिए हैं और इन्हें भी मैंने बारीक काट लिया है। नमक एज पर टेस्ट, और जो स्पाइसेस मैं यूज़ करने वाली हूँ वो ये है, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च है जो सिर्फ कलर के लिए यूज़ करूँगी, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आपकी मर्ज़ी। ये 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला है, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा और काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला और 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला है। तो चलिए झटपट बनाते हैं चटपटी सोया चंक की सब्जी। सबसे पहले मैंने ये पैन में करीब 1 चम्मच ऑयल रखा है, मस्टर्ड ऑयल, और ये न्यूट्रेला को मैं फ्राई कर लेने वाली हूँ, क्योंकि फ्राई करने पर ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं फ्राई करके इसे बना रही हूँ। ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो इसे हम बोल में निकाल लेते हैं। मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच तेल रखा है और अब इसमें मैं ये जीरा रख देती हूँ, बस जीरा तड़क जाए उसके बाद ये मैं प्याज रख लेती हूँ। गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है ऐसे। गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम ये लहसुन मिर्च अदरक जो है ये डाल देते हैं, साथ ही शिमला मिर्च भी डाल देंगे। फ्रेंड, इसमें मैंने खड़ा मसाला इसीलिए नहीं डाला क्योंकि मैं जो भी इसमें डाल रही हूँ काफ़ी ऐसा डाल रही हूँ तो पूरी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और उसका जो फ्लेवर है वो घुल मिल जाए, इसलिए मतलब कि खड़ा इसमें नहीं डाली, ये सारे भी एकदम अच्छे से गल जाने वाले हैं। और साथ ही मैं इसमें कुछ टमाटर भी डाल देती हूँ, टमाटर डाल दिया तो साथ में ये नमक भी डाल ही देती हूँ।
और इसे थोड़ा गल जाने तक इसे अच्छे से पकाना है। इसलिए मैं ये लीड लगा देती हूँ। ये करीब 2 मिनट कुक हो चुका है, इसमें हम सारे स्पाइसेस डाल देते हैं। जो भी स्पाइसेस मैंने बताए थे ये सारे मैं डाल देती हूँ। लीड लगा के 2 मिनट और पकाएंगे। ये 2 मिनट हमने कुक किया है स्पाइसेस डाल के, और देखिए कितना अच्छा मिक्स हो गया है, पक चुका है ये अच्छी तरीके से। अब इसमें हम ये सोया चंक्स डालेंगे। अगर आपको ये थोड़ा ग्रेवी वाला चाहिए तो आप इसमें अभी पानी डाल के थोड़ी देर और कुक कर सकते हैं, और अगर ड्राई खाना चाहते हैं तो इस तरीके से, और इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। इसे लो फ्लेम पर हमें कुक होने के लिए छोड़ना है, ताकि जो भी फ्लेवर्स हैं वो सारे सोया चंक के अंदर अब्सॉर्ब हो सके। तो इसे हमें 2 मिनट के लिए कुक करने के लिए छोड़ देना है। चलिए देख लेते हैं, मैंने घर से देख के कहा 3 से 4 मिनट इसे कुक किया है लो फ्लेम पर, और ये पूरी तरह से पक चुका है। तो अब इसे गर्मा गर्म हम पराठों के साथ या पूरियों को सर्व कर सकते हैं। तो चलिए सर्व करते हैं। तो ये मेरी सोया चंक की चटपटी सब्जी बनके तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। डेली मोशन पर मुझे फॉलो करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।